सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ महिंद्रा हॉर्न। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रैवल, फैशन, लाइफस्टाइल एंड मम्मी रिलेटेड थिंग्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। होप ऑल आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। सो सामने ये सारा पार्सल रखा हुआ, इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा हॉल होने वाला है। तो यस गाइस, मैंने जो है विंटर कलेक्शन में कुछ स्वेटर्स वगैरह ऑर्डर किया, तो वही सब आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली। और ये इतना सारा पार्सल्स है, इसमें सारे हैं स्वेटर्स और मैंने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के स्वेटर्स ऑर्डर किए हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू गाइस ऑल दिस कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे चीज़ें हैं और क्या क्या कलर्स कॉम्बिनेशन मैंने ऑर्डर किया है। तो मैं सिंपल रखने वाली ये ब्लैक पैंट के साथ में सारा कुछ मतलब स्टाइल करने वाली। सो लेट्स सी कि हाउ इट विल टर्न आउट, कैसी वीडियो टर्न होती है। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फ्रॉम मी। और अभी हम लोग करते हैं जल्दी से वीडियो के स्टार्टिंग। सो गाइज, ये देखिए, ये है एक स्वेटर और ये है कुछ येलो ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन। ऐसे स्लीव्स इसमें लगे हुए, ये देखिए ऐसे। एंड दिस इज द ब्रांड फ्रॉम ड्रेसबेरी और मैंने इसमें जो साइज है वो ऑर्डर किया है एल। कैसा लग रहा है मुझ पर ये, और बहुत ही सुंदर सा। एंड इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 2199। मैं आपको जो सारी कॉस्टिंग है जो मुझे मिला है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, जैसे मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में डाला था वैसे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। इससे पहले मैंने एक महिंद्रा का हॉल डाला था एथेनिक वियर का, एंड उसके बाद मैंने कुछ ट्राउजर्स ऑर्डर किए थे, कुछ जीन्स, कुछ टॉप, तो उसका मैंने हॉल क्रिएट किया था। एंड ये मेरा थर्ड हॉल है मेरे चैनल पे अभी रिसेंट में, इससे पहले मैंने काफ़ी पहले किया हुआ था H&M वगैरह से, तो उसमें तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। तो मैंने सोचा कि ट्रैवल के साथ साथ क्यों ना हम लोग ऐसे कुछ कंटेंट बनाए जिससे हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगे और मुझे भी खुशी मिले। तो ये है मेरा फर्स्ट पीस ऑफ विंटर वियर, ये ऐसा कुछ है। एंड गाइज, मैंने एक विंटर का जो है अभी रिसेंट में कल ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय आईडी इज poonam_travelfree। और ये रहा एक दूसरा पैटर्न विद द डिफरेंट स्टाइल विद द डिफरेंट कलर। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है ब्लू, येलो एंड वाइट है, और आप भी देख सकते हैं इसका जो फिट है ये एकदम परफेक्ट है। मैंने बोला ना ड्रेस बेरी का है, दिस इज द कॉस्टली देन टोक्यो टॉपिक। ये मुझे पता है ना इसमें कितने में मिला, 1181 रुपीस। यस गाइस, मुझे अभी याद आया 1181 का ही। This is the perfect fit. And I'm going to open this next parcel. तो मैंने इसमें ये जो है स्वेटर ऐसा कुछ दिख रहा है, ये देखिए, भी खोलते हैं इसे जल्दी से। और ये हाफ स्वेटर है, तो दिस इज द नेक्स्ट स्वेटर विच आई एम गोइंग टू शो यू। और ये जो ब्रांड है टोक्यो टॉकीज का है, एंड दिस इज द अगेन साइज एल। और ये एक हाफ स्वेटर है गाइस, पर्पल एंड ग्रीन का जो है कॉम्बिनेशन है। इसे मैं स्टाइल करने वाली वाइट फुल शर्ट के साथ, सैटिन का शर्ट है जो कि मैंने महिंद्रा से ही ऑर्डर किया है। एंड लुक एट दिस प्रीटी प्रिंट, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम क्लासी लुक आ रहा। वो आलिया भट्ट ने एक मूवी में पहना हुआ, मुझे उस मूवी का याद नहीं आ रहा, अगर उस मूवी का याद आएगा तो छोटी सी क्लिप यहाँ पे ऐड कर दूंगी। एंड इसकी जो कॉस्टिंग है वो है 1349, अगेन द साइज इज एल। और इसकी जो भी कॉस्ट है मुझे कितने में मिला और उसका जो स्क्रीनशॉट है मैं इधर साइड में लगा दूंगी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, महिंद्रा इज माय फेवरेट ऑनलाइन वेबसाइट, मैंने महिंद्रा से काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर किया। ये तो मैंने जूडियो से परचेज किया था, और ये जो ट्राउजर है दिस इज फ्रॉम महिंद्रा, और इसकी जो फिट है वो एकदम परफेक्टली है, जिसे आप कोई भी
वेदर में मतलब यूज कर सकते हो। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक हाफ स्वेटर है, सो मैं इसे पेयर करने वाली हूँ इस वाइट शर्ट के साथ में। ये देखिए ऐसे कुछ लगेगा। तो जल्दी से चलते हैं और इसे जो है स्टाइल करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ऐसे कुछ इसको पेयर कर लिया है। आप बताना गाइस कमेंट में कैसा लगा। सो ये था मेरा 9 आउटफिट और ये सारे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो तो बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब मुझे एक एक्सेप्ट ब्लू वन, बाकी सारे जो फिट्स है वो परफेक्ट है। आई गेस मुझे इसे जो है इन करके देख लेना चाहिए एक बार। मैं जल्दी से जाती हूँ और इसे इन करके एक बार दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसा लग रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्सल की तरफ। तो ये भी जो है स्वेटर ही है और ये है ब्राउन कलर का स्वेटर, मतलब थोड़ा लाइट ब्राउन है। एंड दिस इज ऑल्सो द ब्रांड फ्रॉम टोक्यो टॉकी, साइज है L और ये ऐसे हाई नेक है एंड फुल स्लीव्स है और ऐसा थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं मतलब थोड़ा लूज लूज सा फिट है इसका। ये देखिए एंड दिस क्रोशिया वर्क गाइस, इसका जो वर्क है ना ये बहुत ही अच्छा है। मतलब जो एकदम प्रॉपर उलन होता है ना जिससे आपको मतलब विंटर चला जाएगा आपका प्रॉपरली, ठंड नहीं लगेगी, वैसा ये स्वेटर है। और इसमें ऐसे पैटर्न देखिए यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है। आई लव दिस वन। ये उसमें एक कलर है जो सेम अभी मैंने पिंक वियर किया था। एंड दिस इज द फोर्थ आउटफिट गाइस, मैं एक ही पैंट पे जो है सारे स्वेटर्स को वियर कर रही हूँ टाइम बचाने के लिए। कौन बार बार चेंज करेगा, और चेंज करने मतलब पैंट चेंज करने में मुझे बहुत ज्यादा आलस आता है। और आई गेस ये ब्लैक के साथ सारा जो कलर्स कॉम्बिनेशन है वो चला जाता है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। जब तक अपने का चीजें अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करना चाहिए, राइट। आई गेस ये कलर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बट ये ब्लैक के साथ नहीं जा रहा है। मुझे इसको किसी और लाइट कलर के साथ में मतलब पेयर करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस वन विच इज पिंक। ये देखिए कितना प्यारा है ये, उसी का मतलब मैंने दूसरा कलर ऑर्डर किया कि कौन सा कलर मुझ पे ज्यादा बेटर कलर मतलब लगेगा। एंड दिस इज ऑल्सो द ब्रांड फ्रॉम टोक्यो टॉकीज और इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है गाइस 2349। अगेन दिस साइज इज L और मैंने ऐसे जो है 9 स्वेटर्स ऑर्डर किया है। मैंने वैसे एक्चुअली 10 किया था, एक आने का है, तो इसलिए अभी मैं जो 9 स्वेटर्स है उसी का हॉल आप लोगों के साथ शेयर करी। और अगर ऐसे ही कुछ हॉल आपको मेरे चैनल पे चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, तो उससे कैसे मुझे मोटिवेशन आएगा और मैं आप लोगों के लिए एक नई नई वीडियो लेकर आऊंगी। आउटफिट, दिस इज द थर्ड नंबर आउटफिट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने इसमें जो है 3 कलर्स ऑर्डर किए, एक ब्राउन, एक पिंक एंड 1 इज ऑफ वाइट आप बोल सकते हैं। तो ये देखिए इसका लुक कुछ ऐसे है। आई गेस दिस इज द परफेक्ट फिट, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला। मुझे ये सब करने में बहुत मजा आ रहा, मतलब ये हॉल्स वाली जो वीडियो है ना गाइस, ये मुझे आप लोगों को मेरे साथ शेयर करने में भी बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। आप कमेंट करके ऐसे मुझे मोटिवेट जरूर करना। ये देखिए इसका लुक कुछ ऐसे है, आप कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है। एंड दिस इज द नेक्स्ट वन, ये प्रॉपर मतलब ब्लू का शेड है और इसका मुझे वैसे फिट मतलब इतना कुछ प्रॉपर नहीं लगा। इसका जो फिट है वो मुझे कुछ ऐसे प्रॉपर नहीं लगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा जो नेक है वो उतरा हुआ है, तो मुझे वैसे नहीं पसंद है। एंड दिस इज़ द ब्रांड ड्रेस बेरी, लेकिन इसका जो कलर है और जो पैटर्न है दिस इज़ सो गुड। अगेन द साइज इज़ L और इसके जो कॉस्ट है
सॉस तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप चेक कर लेना। अगर इसमें से जो है कोई भी आपको पसंद आता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसका जो नेक है ये थोड़ा सा डीप है, तो मतलब यहाँ से कुछ इनर के साथ हम लोग इसको वियर कर सकते हैं। और इसका जो फिट है ये बहुत ज़्यादा टाइट है, ऑब्वियसली मॉमी बनने के बाद ये जो टमी है ज़्यादा दिखता है, तो ऐसे इधर फिट फिट मुझे पसंद नहीं आता। इसका लुक कुछ ऐसे है, आई डिडंट लाइक दिस सो मच, सो आई एम रिटर्निंग दिस वन। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ माई फेवरेट, दिस इज द ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन। और ये देखिए, ये थोड़ा मतलब आप इस पे जो है नीचे स्लैक्स वगैरह भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आएगा। एंड दिस इज द ब्रांड फ्रॉम ससाफ्रस, राइट? ससाफ्रस से है, मैंने लास्ट व्लॉग में गलत बोल दिया, सफारस बोल दिया, जबकि ये है ससाफ्रस का। और इसका जो साइज़ है वो है L। मुझे ये कितने में मिली, बहुत सस्ती मिली। इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है इस 1,999, कैन यू बिलीव इट। मिंत्रा में इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स चलते हैं, और अभी तो ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, तो बहुत अच्छे ऑफर चल रहा है। एंड गो ग्रैब द ऑफर फ्रॉम द मिंत्रा वेबसाइट, दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो गाइड्स, मैंने ये सारा कुछ बाय किया और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, चेक का ऐसे जो कॉम्बिनेशन है, चेक तो नहीं बोल सकते इसको प्रॉपरली, ऐसे जो शेड्स है ये मुझे बहुत पसंद है, जो कि आईज में मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ आपने कुछ पहना हुआ है, इतना सुंदर सा ये लग रहा है। सो गाइस, दिस इज द सेकेंड लास्ट आउटफिट विच इज वन ऑफ माय फेवरेट। और इसका जो कॉम्बिनेशन है ये ब्लैक एंड वाइट, ऐसे इसका पैटर्न है। I guess this goes well with the black trouser and black heels. Perfect fit hai ekdam. Bye. और अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट बड़े पार्सल की तरफ। तो इसमें मुझे जो है तीन पार्सल रिसीव हुए थे, तो उसमें से एक है ये वाइट कलर का, इसको ऐसे ये है ऑफ वाइट, प्रॉपर वाइट नहीं बोल सकते, ये है ऑफ वाइट कलर। एंड दिस इज द ब्रांड अगेन टोकियो टॉकीज़, मुझे लगता है स्वेटर्स में ज़्यादा टोकियो टॉकीज़ है, जिसकी बहुत रिजनेबल रेट है। एंड ड्रेस बेरी, उसका थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा है, बट इसका जो है प्रॉपर मतलब अपने अफोर्डेबल रेट में आ जाता है। तो इसका जो है साइज L है, अगेन द ओरिजिनल कॉस्ट इज 2,349। जो कॉस्ट मुझे मिली है वो इधर साइड में आपको दिख जाएगी। और ये ऐसे फुल स्लीव्स का है, ये भी उसी पैटर्न में गाइस जो मैंने आपको दिखाया। तो ऑलमोस्ट मैंने मतलब तीन ही, एक ही चीज को तीन पैटर्न, मतलब एक ही स्वेटर का तीन अलग अलग मैंने ऐसे जो है कलर्स ऑर्डर किए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वो उसमें जो है सेम पैटर्न में तीन कलर ऑर्डर किए, तो उसमें से ये लास्ट ऐसा कलर ये वाला है ऑफ वाइट, एक पिंक है एक ब्राउन है, एंड दिस इज अ ऑफ वाइट कलर। आई गेस दिस गोज विद अ ब्लैक मेरी मेल। अच्छा लग रहा है ना ये वाला, ज्यादा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट वन है मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉम्बिनेशन, ऑरेंज पिंक एंड ग्रे। तो ये देखिए कितना प्यारा सा लुक है, ऑल्दो ये थोड़ा मतलब लूज लूज सा, लेकिन इसका जो फिट है दिस इज द परफेक्ट फिट, जो बोहो गर्ल की तरफ से मतलब लगता है ऐसे कि हाँ एकदम लूजी लूजी सा। और ये ऐसा ही कुछ है, ये देखिए इसका जो साइज है अगेन L, एंड दिस इज अ ब्रांड फ्रॉम रोडस्टर, या रोडस्टर का है ये। और ये जो ऐसे मतलब
प्रॉपर उलन वाला जो है ना वैसा मटेरियल है इसका, ही देखिए। एंड द फिट इज सो 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 परफेक्ट। ऑल्दो मैंने इसे वियर नहीं किया है लेकिन मैंने जो इमेज देखी उसमें परफेक्टली ये दिख रहा था। तो अभी हम लोग इसे ट्राई भी करेंगे। ओरिजिनल इसका जो कॉस्ट है 1699। दिस इज मेड इन बांग्लादेश। दिस इज द नेक्स्ट आउटफिट। और ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है उस स्वेटर में से। मतलब मैंने 9 स्वेटर, जैसे मैंने आपको बताया, कि मैंने 9 स्वेटर्स ऑर्डर किए, तो उसमें से ये एक पैटर्न है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑरेंज इज माय वन ऑफ फेवरेट कलर। ये देखिए इसका कुछ लुक ऐसे है। ये कुछ थोड़ा ज़्यादा ही लूज है बट यस आई लव इट, क्योंकि इसमें मेरे फेवरेट कलर्स हैं ग्रे, ऑरेंज एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है। आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा ये स्वेटर। और अब आते हैं हमारे नेक्स्ट और ऑलमोस्ट डन, ये मेरा लास्ट जो पार्सल है वो मैं अभी ओपन कर रही हूँ। तो ये है ब्लू, एकदम पैरट ग्रीन, और ये कौन सा कलर है मुझे नहीं पता है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है। ये देखिए एक इसमें जो है स्किन कलर भी है। एंड दिस इज द ब्रांड फ्रॉम सिया, नो दिस इज द ब्रांड फ्रॉम मास्ट एंड हर्ब। ये ऐसा कुछ है। एंड अगेन दिस इज द साइज एल। और गाइस इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 1899। मुझे कितने में मिली, अगेन मैं यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, ये चेक करिए। तो चलो अब करते हैं हम लोग इसकी सारी स्टाइलिंग। सो गाइस ये है फर्स्ट स्वेटर जो कि मैंने वियर कर लिया है, स्टाइल कर लिया है इस ब्लैक ट्राउजर के साथ में। और ये बहुत ही सोना सोना सा लग रहा है। देखिए आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसे लगा ये थोड़ा, मतलब ऐसे लूज लूज सा फिट ही स्वेटर उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और यही है विंटर की पहचान कि आप ऐसे कुछ कपड़े पहनो, लेकिन ये कपड़े ओनली आप 4 मंथ्स ही पहन सकते हो, उसके बाद तो ये आपके कबर्ड में रह जाता है। तो बताना गाइस इसकी फिटिंग कैसी लगी। सो ये था मेरा आज का विंटर हॉल ब्लॉग फ्रॉम दी मैंता। होप आपको ये सारा जो स्वेटर्स है वो अच्छा लगा हो। और लिंक जो है अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फ्रॉम मी। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। विदाउट इन करके आपको दिखाया और एक इन करके, इस फैट का कुछ नहीं कर सकते। मैंने आज ही एक मॉर्निंग में वीडियो देखा, होप सो मैं जल्दी उस वीडियो को जो है फॉलो करूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट जरूर कर देना कि ये फिट कैसा लग रहा है। सो ये था सारा आउटफिट चेक का वीडियो गाइस, एंड वन ऑफ द बेस्ट हॉल इन विंटर। ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे विंटर हॉल मैं आप लोगों के लिए पहले लेकर आऊंगी, उसके बाद मैं पार्टी वेयर ड्रेसेस, क्योंकि ऑलमोस्ट क्रिसमस भी आने ही वाला है और शादी के भी फंक्शन स्टार्ट होने वाले। तो ऐसे कुछ अच्छे अच्छे जो व्लॉग्स हैं वो मेरे चैनल पे आते रहेंगे। ये जो हॉल वीडियोस है गाइस, इसे बनाने में बहुत मज़ा आता है, बट इसके बाद में जो गन मचती है ना, उसमें कुछ अलग ही अपना मज़ा है। ये अभी सारा कुछ है मुझे पैक करके फिर से वार्डरोब में डालना होगा। और ये देखिए ऐसा कुछ इसका लुक है। एंड आई गेस दिस इज़ द परफेक्ट चेक, मतलब परफेक्ट फिट चेक। ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार ऐसे जो है इसका आप लोगों को लुक दिखा दूँ।